मौसम कोई सा भी हो, आइसक्रीम खाना हर किसी को पसंद होता है और आइसक्रीम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। वाओ, खुशबू आइसक्रीम, स्वाद के साथ अट्रैक्शन भी। ये उत्पाद भारतीय बाजार में हिट साबित हो रहा है और उपभोक्ता इसे पसंद भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं खुशबू आइसक्रीम कंपनी के सफर से जुड़ी हुई कुछ बातें। ये है बिजनेस के प्रति पागलपन और जुनून से भरे एक आम इंसान की कहानी, जिसने बहुत कम समय में एक मुकाम हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं खुशबू कूल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर मिस्टर हिम्मत पोकिया की। प्लीज वेलकम, हैव अ सीट। हिम्मत जी, कंपनी की शुरुआत कौन से साल में और कैसे हुई? कंपनी की शुरुआत 1997 में एक छोटी सी दूध की डेयरी के रूप में हुई, तो वहाँ हमारा काम एक फ्रीजर से ही चलता है। क्या बात है, और आज कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त मशीनरी में तब्दील हो गई है। ये सब हमारे संतुष्ट ग्राहक की देन। आइए देखते हैं कंपनी की सफलता के रहस्य के बारे में। कहते हैं कि दिन की शुरुआत में जब व्यक्ति ईश्वर के किसी भी गुण स्वरूप की पूजा करता है, तो उसके प्रति श्रद्धा व्यक्ति के भीतर के आलस को परास्त कर देती है और व्यक्ति की समयबद्धता बढ़ती है। मन में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है, व्यक्ति में धैर्य बढ़ता है, और ये बात आज पूरी तरह सार्थक साबित हुई है। और इसका जीता जागता प्रमाण ये है, एक छोटे से गाँव देड़ी कुंभाजी में सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू हुआ वटवृक्ष करोड़ों के टर्नओवर से प्लस के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। ये फैक्ट्री 1,55,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैली हुई है। अभी कंपनी में टेक्नोलॉजी के साथ साथ आज कंपनी के पास प्रोफेशनल एम्प्लॉई, हायर एजुकेशन सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग टीम, ब्रांडिंग टीम, इन हाउस सोशल मीडिया, जो सेल्स को ऊपर के ग्राफ की ओर ले जाता है। यहाँ आइसक्रीम के 170 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट में हर साल इनोवेशन करती है। खुशबू आइसक्रीम किराने की दुकानों, आइसक्रीम पार्लरों और यहां तक कि सुपरमार्केट में भी उपलब्ध है। आज कंपनी गुजरात, राजस्थान,
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खुद का बिजनेस आगे बढ़ा रही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल 3 वर्गों में बांटा गया है, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर। कंपनी के तीनों मॉडल के ओनर कंपनी के परिवार की तरह उत्साह और लगन के साथ काम कर रहे हैं। हमारी खुशबू आइसक्रीम कंपनी एक परिवार है, जहां हमें सारी सुविधाएं मिलती है जो एक वर्कर को मिलनी चाहिए, और ऐसी कंपनी में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। और अब खुशबू आइसक्रीम फ्रोजन फूड के बिजनेस में कैसे आए वो जानते हैं। कोविड के बाद सभी फूड कंपनियां बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी। उस वक्त हमने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया और हम फ्रोजन फूड में आ गए। आज खुशबू ब्रांड में फ्रोजन फूड का हमारा हिस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पिज्जाज, गार्लिक ब्रेड, समोसा, सैंडविच, आलू पराठा जैसे फ्रोजन फूड की अच्छी खासी श्रेणी तैयार की गई है। और हमारे प्रीमियम आउटलेट कुडोस और खुशबू के रिटेल आउटलेट पर उपलब्ध करवाते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो आज कंपनी में 80% महिलाएं काम करती हैं। कंपनी में खुशबू फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसी लड़कियों की शादी में हेल्प करते हैं कि जिनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो भी कोई जात पात का भेदभाव किए बगैर। कंपनी में 2 सालों से अधिक काम कर रही लड़कियों की शादी में भी एक निश्चित रकम भेंट के रूप में दी जाती है। खुशबू आइसक्रीम कंपनी को 2018, 19 और 20 में फास्ट गोइंग कंपनी ऑफ द ईयर के 3 पुरस्कार गुजरात सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त किए गए हैं। आज खुशबू आइसक्रीम की प्रीमियम ब्रांड कूडोस के नाम से पहचानी जाती है, जिसके पूरे गुजरात में 22 आउटलेट हैं। इसके बाद कंपनी ने अपना एक विजन लॉन्च किया 2017 में कि 2037 तक हिंदुस्तान की टॉप 5 आइसक्रीम कंपनी में अपना स्थान रखना। आज कंपनी को एक ओनर के नीचे नहीं बल्कि एक टीम की तरह आगे बढ़ रही है, यही कंपनी की सफलता का रहस्य है। खुशबू कूल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बांटे खुशियां।